वंदे मातरम हम देखेंगे द बलून मैन पोयम. इसमें देखेंगे रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो उसमें दिया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम. तो यहाँ दिया है ही ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट डेज एंड होल्ड्स द बलून्स एंड द लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीज टू थिंक ऑफ लंच. तो वो कभी भी लंच के बारे में नहीं सोचते हैं बच्चों. तो उनके यहाँ मार्केट है, बलून्स है, आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, मैंने आपको समझाया है, तो बस वही आपको यहाँ ध्यान में रखना है. हु केम ऑन मार्केट डेज, तो कौन आया था मार्केट डेज पे. द बलून मैन केम कम्स ऑन द मार्केट डेज. केम अगर पास्ट में पूछा है तो केम लिख सकते हैं, और अगर आपको पूछा है कम्स तो कम्स आपको लिखना है. व्हाट डज द बलून मैन होल्ड, सी बलून. ठीक है. द मिल्क मैन होल्ड्स द बंच ऑफ लवली बलून्स. रॉन्ग. मिल्क मैन कहाँ से खड़ा रहेगा और बलून पकड़ेगा, तो बलून मैन ही होता है. तो फोर्थ है वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, ही स्टैंड्स एट द मार्केट स्क्वायर, ये याद रखना है आपको. फिफ्थ द बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ ईटिंग लंच, तो उसको याद ही नहीं रहता कि उसको लंच भी करना है, इतने वो खोए होते होते कि बच्चे आएंगे उनसे रेड पर्पल बलून्स लेंगे. दे हैव रेड पर्पल एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड व्हेन इट्स सनी डे द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन एंड यू विल सी देम शाइनिंग फार अवे, तो शाइन होते हैं. द बलून मैन डजंट हैव द बलून्स ऑफ डी द वाइट कलर. वाइट कलर के नहीं है, बाकी सब उनके पास कलर्स है. लिस्ट डाउन द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ द बलून्स एंड बलून मैन इज हैविंग, कौन से है रेड पर्पल ब्लू ग्रीन बलून्स. तो वाह वाह मेरे बच्चों को सब आता है, देखिए कितना प्यारा प्यारा आंसर दे रहे. द मार्केट इज क्राउडेड विथ कार्ट्स एंड पीपल, तो राइट है. वेन द सनी डेज द बलून शाइन फ्रॉम फार, बाहर से ही आपको पता चलता है बलून वाला है और बलून्स आपके चमक रहे हैं, और क्राउड्स में कार्ट्स में आपको पीपल मार्केट में दिखाई देते हैं बच्चों, तो ये आपको याद रखना है. स्टैंडर्ड थर्ड हम कर रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी का. फिफ्थ पोयम, ठीक है. फाइंड टू पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड गिव लाइंस ऑफ द पोयम, तो वो है ग्रीन बिटवीन डे अवे एंड सम आर बिग एंड स्मॉल ऑल टाइड टुगेदर विथ स्ट्रिंग एंड देयर इज अ विंड एट ऑल एंड टंग एंड टंग लाइक एनीथिंग, तो वो टंगे हुए हैं बलून्स जो है, और ये ब्यूटिफुल बलून्स है. देखिए कलरफुल तो है ही है, बिग है स्मॉल है, और स्ट्रिंग से बांधे हुए हैं, तो क्या कि उड़ ना चाहे, और विंड भी बहुत ज़्यादा, इफ देर इज़ अ विंड एट ऑल, अगर बहुत ज़्यादा भी विंड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑल बलून्स आर द सेम साइज, राइट. सम बलून्स आर बिग एंड स्मॉल, ऑल बलून्स आर टाइड टुगेदर विथ स्ट्रिंग. वॉट हैपन्स टू बलून्स वेन दे आर इन विंड, तो द बलून टंग अलॉट ऑफ टाइम्स, तो वो टंगे हुए होते हैं और उड़ते हुए कितनी भी हवा है. तो विच वर्ड्स इन द अबाव लाइन्स राइम्स विथ स्ट्रिंग, द वर्ड एनी थिंग राइम्स विथ स्टिंग, ठीक है, ये उसके साथ जाता है ये वर्ड. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड ही शाल सी देम सेलिंग डाउन and stand and watch them from below. They could look pretty in the sky and what is them there? Their balloons are referred to all of them. तो balloons किसको है? All, जैसे भी है ना, सबको balloons बहुत पसंद है. अगर आप दादाजी को भी एक balloon दोगे तो बहुत खुश हो जाएगा. Who will let them go? The balloon man will let them go. The child would stand and watch the balloons sailing high in the sky. ठीक है बच्चों, तो राइट है. द बलून्स वुड बी प्रिटी इन द स्काई एंड फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द अबव लाइन्स द स्काई द रिदम विद द फॉलोइंग वर्ड्स दे आर
गो बिलो स्काई हाई। तो ये राइमिंग वर्ड्स है जो आपको 51 पे दिए हैं बच्चों, ये आपको कर लेने चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में आए तो मेरे बच्चों आपको याद रहना चाहिए कि मेरी मैम ने मुझे सिखाया तो मुझे तो याद रहना ही चाहिए। हाँ, हमने स्किप की है तो अलग बात है। तो चलिए देखते हैं, व्हेन डज द बलून मैन कम। द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डेज। द वर्ड लंच राइम्स विद बंच। द बलून मैन कैरीज बलून्स ऑन ओनली वन कलर। रॉन्ग, सब कलर्स हैं उनके पास। हु कम्स बिटवीन द बलून मैन एंड द चाइल्ड, तो वो है डी बोथ। कार्ड्स भी आते हैं, पीपल भी आते हैं, सब आते हैं क्योंकि मार्केट है और वहाँ पे बलून मैन खड़े हैं तो सभी आएंगे। हाँ, एनिमल्स नहीं आएंगे क्योंकि बलून सबको पसंद है, तो जिनको पसंद है वो आएंगे। When do the balloons shine from the far away? The balloons shine on the sunny day from the far away. The balloon man carries balloons of different sizes. So that is right. How are the balloons tied together? They are tied together with a string. When do the balloons cut, strung like anything? When the balloons strung, तो वो है strung like anything. तो उनको पकड़ के रखे हैं क्योंकि हवा आती है इतनी सारी। What does the child like to see the balloon man do? The child likes to see the balloon man go and then the child will see the sailing high in the sky. Who will see the balloons sailing high in the sky? The sky, the children will see the balloons sailing up in the sky and the child will see the sailing balloons from below. तो नीचे से वो देखेंगे। How would the balloons look in the sky? The balloons look pretty in the sky. Look pretty in the sky. तो बहुत ज़्यादा pretty लगते हैं क्योंकि colorful होते हैं बच्चों। Make sentences using the following words. The hungry fox saw the bunch of grapes. The square has four equal sides. तो ये है हमारा पेज नंबर 52। इनको देते हैं पूर्ण विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसका पेज नंबर है 53। बच्चों प्यार से पढ़ो, खेल कूद के पढ़ो, बट पढ़ो ज़रूरी क्योंकि एग्ज़ाम्स आएंगी तो आपको सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि आपने रचना मैडम से पढ़ा है, रचना मैडम ने आपको हर एक पेज अच्छे से समझाया है, तो मैं आती हूँ नेक्स्ट पेज 53 लेके। यही कंटिन्यू करेंगे द बलून मैन पोएम स्टैंडर्ड 3 अपना चैप्टर 5। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।